धनतेरस और दीपावली पर्व के अवसर पर महानगर क्षेत्र के विभिन्न स्थलों, मोहल्लों और बाजारों में मिष्ठान व सर्राफा की दुकानों पर भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं एकत्रित होकर उक्त त्योहार को शुभ मानते हुए खरीदारी करते हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए 11 से 14 तारीख तक सुबह 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक महानगर की यातायात व्यवस्था डाइवर्ट किया गया है। इस दौरान कई रास्तों पर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आपको बता दें, मदीना मस्जिद तिराहा से समारोह रास्ते से सभी प्रकार के तीन व चार पहिया वाहनों व रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे। अलहदा तिराहे से घंटाघर की तरफ रायगंज होते हुए सभी प्रकार के तीन व चार पहिया वाहन और रिक्शा उक्त अवधि में प्रतिबंधित रहेंगे। नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से घंटाघर मार्ग पर जाने वाले सभी प्रकार के तीन व चार पहिया वाहन तथा रिक्शा उक्त अवधि में प्रतिबंधित रहेंगे। कचहरी चौराहा, शास्त्री चौक से घोष कंपनी चौराहा होकर रेती चौराहा व घोष कंपनी चौराहा से नखास चौक एवं टाउन हॉल से एडी चौराहा तक के मार्ग पर सभी प्रकार के तीन व चार पहिया वाहन तथा रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे। गणेश चौराहा से विजय चौराहा तथा विजय चौराहा से चौराहा व अलीनगर चौराहा तक के मार्ग पर जाने वाले सभी प्रकार के तीन व चार पहिया वाहन तथा रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे। बर्फखाना तिराहा से बसंतपुर चौराहा, घंटाघर चौराहा एवं लाल डिग्गी तक के मार्ग के सभी प्रकार के तीन व चार पहिया वाहन तथा रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे। सुमेर सागर तिराहा से विजय चौराहा एवं जटाशंकर तिराहा से अलीनगर चौराहा तक सभी प्रकार के तीन व चार पहिया वाहन तथा रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे। दुर्गावाड़ी चौराहा से चरणलाल चौक की तरफ सभी प्रकार के तीन व चार पहिया वाहन तथा रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के राजकीय एवं प्राइवेट भारी वाहन नौसर, टीपी नगर चौराहा, पैदलेगंज, मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए चार फाटक, ओवरब्रिज से चौकी, कौवा बाग बाईपास मार्ग से पादरी बाजार, चौकी चौराहा, फातिमा अस्पताल, खाजनची चौराहा होते हुए भगवानपुर से बरगदवा होकर फरिंदा सोनौली की ओर जाएंगे। इसी प्रकार फरिंदा पीपीगंज से आने वाले समस्त भारी वाहनों को बरगदवा से फर्टिलाइजर, झुगिया होते हुए खाजनची चौराहा से फातिमा अस्पताल, पादरी बाजार, चौकी कवाबाग बाईपास मार्ग से चार फाटक और विज मोहद्दीपुर होते हुए देवरिया, कुशीनगर एवं पैडलेगंज, टीपी नगर, नौसर से बाहर जाएंगे। रोडवेज एम्बुलेंस जैसे वाहनों को आने जाने की अनुमति दी जाएगी। कचहरी चौराहा से गणेश चौराहा की ओर जीएम पोस्ट ऑफिस, तिराहा से गणेश चौराहा, तमकुही तिराहा से कचहरी चौराहा, विजय चौराहा से गणेश चौराहा, अग्रसेन तिराहा से विजय चौराहा की तरफ चार पहिया लोडर एवं ऑटो रिक्शा का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। गोरखपुर न्यूज टीवी चैनल के माध्यम से यह जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने आम जनमानस से अपील किया है कि चार पहिया दो पहिया वाहन चालक अपने वाहन को दिए गए पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करके खरीदारी करें। उन्होंने बताया कि वाहन चालक अपने वाहनों की को सिटी मॉल के सामने, सिनेमा रोड पर यूनाइटेड टॉकीज के सामने, बिस्मिल पार्क और कचहरी टाउन हॉल के मैदान में बने पार्किंग में ही अपने वाहनों को खड़ा करने के पश्चात मार्केट में खरीदारी करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, ये धनतेरस और दीपावली त्यौहार के परिपेक्ष में बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है। इसको देखते हुए कि आम नागरिक अपना मार्केटिंग सही ढंग से कर सके, किसी तरह से जाम की समस्या ना हो, हमने रूट डायवर्जन को प्लान किया हुआ है और हमने ये सुनिश्चित किया है कि 11 तारीख से यानी कल से लेकर के 14 तारीख तक दीपावली के दिन तक सुबह 10 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक रूट डाइवर्ट रहेगा। इसमें मार्केट में किसी भी तरह से फोर व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, लोडर या भारी वाहन कोई भी मार्केट के अंदर नहीं आने दिया जाएगा और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारी टाइमिंग है 10 बजे से 12 बजे के बीच में सुगम यातायात दोपहिया वाहन इसमें आ जा सकते हैं और हम देखेंगे भीड़ भाड़ बढ़ती है तो उस हिसाब से भी आगे हम सोच सकते हैं कि दोपहिया वाहन का भी हम प्रवेश दें कि नहीं दें। तो शहर को हमने चिन्हित किया हुआ है, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, जहाँ मार्केटिंग के लोग ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से डाइवर्जन का नियम लागू रहेगा। शास्त्री चौक से कोई वाहन अंदर की तरफ नहीं आएगा, इसी तरह काली मंदिर से लेकर के अंदर कोई वाहन नहीं आएगा, बाल विहार की तरफ से कोई वाहन नहीं आएगा। उनको हमने साइड में रूट दे रखा है, जिनको मार्केटिंग के लिए आना है, चाहे अपने वाहन से आ रहे हैं या प्राइवेट वाहन से आ रहे हैं या किराए के वाहन से आ रहे हैं, वो पार्किंग स्थल पर अपने वाहनों को पार्क करें और फिर सुगमता से आकर के मार्केट में परचेजिंग करें, फिर पार्किंग से वाहन को लेकर के चले जाएं। ये व्यवस्था हमने उन्हीं के लिए बनाई हुई है, आम नागरिकों के लिए बनाई हुई है और हम सभी से अपील करते हैं कि इस व्यवस्था को वो सही अंजाम दें, इसका अनुपालन करें, हमारा सहयोग दें और खुद किसी भी समस्या से बचें।